नमस्कार दोस्तों, ओशो के आश्रम में पहुँचे बागेश्वर धाम सरकार, ये आज की खबर है। ओशो के आश्रम नेपाल में स्वामी आनंद अरुण जी के आश्रम में आज बागेश्वर धाम सरकार पहुँचे दोपहर के आसपास में, यानी कि लगभग 2 बजे के आसपास की बात है। इस संयोग का मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। आज शनिवार है और 19 अगस्त 2023 शाम को करीब 7 बजे के आसपास मैंने फ़ोटो देखा, स्वामी आनंद अरुण और बागेश्वर धाम सरकार दोनों साथ में बैठे हुए हैं और कुछ 5 फोटो मैंने देखा, 5 से अधिक फ़ोटो भी डाला हुआ था और मुझे यह संयोग, ये मिलन अच्छा लगा। ओशो के बहुत सारे सन्यासी हैं जो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि ओशो के कोई प्रेमी बागेश्वर धाम सरकार को भी प्रेम करे। बड़ा आश्चर्य की बात है, लेकिन चलता है। बहुत सारे सन्यासी यहाँ पर हैं ओशो के या पूरे भारत में हैं जो बागेश्वर धाम सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरी बात कुछ और है। मुझे शुरू से ही ऐसे लोग बहुत पसंद है जो धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, उनके लिए मेरे हृदय में बहुत स्थान है। अब ये संगम देखिए, एक ऐसे जगह पर, नेपाल जैसे भूमि पर, जब ओशो को अमेरिका को छोड़कर आना पड़ा तो सबसे पहले ओशो को शरण देने वाला देश नेपाल ही है। जब ओशो 1985-86 की बात है, 1986 में ओशो नेपाल गए थे और अमेरिका से लौटने के बाद जब उन्होंने विश्व भ्रमण शुरू किया तो ओशो ने विश्व भ्रमण की शुरुआत नेपाल से की। मेरे एक भाई हैं, गुरु भाई हैं, स्वामी आनंद अभय, मुंबई में दादर स्टेशन के पास उनका बंगलो है, अब तो फ्लैट बन गया वहाँ पर। स्वामी आनंद अभय जो डॉक्टर है वहाँ पर, उनका अपना क्लिनिक है, ओशो क्लिनिक। स्वामी आनंद अभय ओशो से नेपाल में ही मिले और उनके दर्शन किए वहाँ पर, और भी मेरे एक मित्र हैं, उनकी भी मुलाकात ओशो से नेपाल में ही हुई थी। तो 1986 में ओशो नेपाल गए और एक ऐसी भूमि पर जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, जहाँ ओशो का निवास रहा है, जहाँ माता जानकी का जन्म हुआ है, जहाँ भगवान श्री राम बारात लेकर गए हैं, उस पावन भूमि पर आज बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नेपाल पहुँचे हैं और नेपाल में उनका कार्यक्रम है। शायद मुझे पता नहीं कितना दिन का है, मैंने अपनी बेटी को बुलाया था, शायद 2-4 दिन का कार्यक्रम है उनका नेपाल में। और मैं कल का वीडियो देख रहा था, जब नेपाल पहुँचे हैं बागेश्वर धाम सरकार, कैसे लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं उनकी गाड़ी के पीछे पीछे और वो सभी को हाथ जोड़े हुए अभिवादन कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। मेरी बेटी ने जब ये पोस्ट देखा शाम को फेसबुक पर कि स्वामी आनंद अरुण बागेश्वर धाम सरकार को जो स्कार्फ पहनाए हुए हैं उसमें ओशो का तस्वीर लगा हुआ है, ओशो का फ़ोटो लगा हुआ है, बागेश्वर धाम सरकार ने जो दुपट्टा ओढ़ा हुआ है उस पर ओशो की तस्वीर लगी हुई है, दूसरे फ़ोटो में ओशो के किताब को अपने हाथ में लिए हुए हैं, 2-3 किताब ओशो की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने हाथ में लेकर के पन्ने पलट रहे हैं, यानी एक ओशोमय वातावरण बन गया। इस शुभ दिन को पहले तो मैं पसंद करता हूँ कि जो ज्योतिष में एक बात आता है कि शनि जो हैं वो आध्यात्मिक देव हैं, जिनका भी जन्म शनिवार के प्रभाव में हुआ है उन्हें आध्यात्मिक सहायता मिलती रहेगी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि जब भी शनिवार आता है वो कुछ न कुछ भगवान शनि हमें उपहार देते हैं। मेरी बेटी बहुत खुश हुई कि आज बागेश्वर धाम सरकार जो दुपट्टा ओढ़े हैं उस पर ओशो की तस्वीर बनी हुई है, ओशो लिखा हुआ है और बागेश्वर धाम सरकार के हाथ में ओशो की 2-3 किताबें हैं। प्यारे दोस्तों, मैं इन दोनों के बारे में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ओशो सब कुछ जानते थे। तिब्बत में बहुत बड़े तांत्रिक रह चुके थे अपने पूर्व जन्म में और ऐसी कोई विद्या नहीं रही होगी जो ओशो को नहीं आती थी। तंत्र विद्या हो या ध्यान हो, योग ओशो ने कभी किया नहीं है। ओशो कहते हैं मैंने कभी योग नहीं किया है, जबकि पतंजलि योग सूत्र पर उन्होंने 5 भाग में इतने बड़े बड़े प्रवचन किए हैं, शायद 8 भाग में किए हैं। पतंजलि योग सूत्र पर ओशो ने प्रवचन किया, जबकि ओशो कहते हैं मैंने कभी योग नहीं किया। खैर, उनके दिव्य दृष्टि पर मैं कभी संदेह नहीं करता। योग की जो समझ ओशो के पास है उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ओशो की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने बचपन में जो विद्रोह उन्होंने किया, जब ओशो अगर देखा जाए तो 26 साल के बाद ओशो ने अपना काम शुरू किया, 30 वर्ष के होने के बाद 1960 के बाद से ओशो ने पूरे भारत में घूमकर शिविर लेना शुरू कर दिया, जबकि बागेश्वर धाम सरकार
लगभग 22 साल की उम्र के आसपास से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो बाहरी दुनिया में जो प्रभाव बागेश्वरधाम सरकार का आज है, पूरे विश्व में उनकी आज चर्चा होती है, उन्हें देखने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। अभी इंग्लैंड वो गए हुए थे यूके, जहाँ उनको देखने के लिए सड़कों पर ऐसी भीड़ लगी थी कि पुलिस व्यवस्था को सब कुछ ठीक करना पड़ा। कल नेपाल वाले कार्यक्रम में ऐसी भीड़ लगी हुई है कि वहाँ पर नेपाल में भी लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं उनको एक दर्शन पाने के लिए। उनका नेपाल में अभी कार्यक्रम चल रहा है और इस बीच समय निकाल करके आज वो स्वामी आनंद और उनके आश्रम में पहुँचे, ओशो आश्रम में पहुँचे और ओशो आश्रम में उन्होंने समय दिया। इस पर और कोई विस्तृत जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं बाद में आप सभी को बताऊँगा। मैं कहना ये चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि ओशो के कारण आज दुनिया में करोड़ों लोग ध्यान करते हैं। सबसे पहले भगवान बुद्ध के कारण करते हैं। भगवान बुद्ध के कारण ही पूरे बर्मा, तिब्बत और विश्व के कई देशों में ध्यान लोग करते रहे हैं। फिर कुछ दिनों के लिए ध्यान को लोगों ने विस्मित कर दिया था। केवल जो बौद्ध लोग हुआ करते थे, बुद्धिस्ट हुआ करते थे, वही लोग ध्यान करते थे। लेकिन ओशो के आने के बाद हम सभी के घर में भगवान बुद्ध का प्रवेश फिर से हुआ। ओशो ने जब भगवान बुद्ध पर बोलना शुरू किया तब हम सभी धीरे धीरे बुद्ध के बुद्धत्व से परिचित हुए। नहीं तो समझ में नहीं आता ये बुद्धत्व क्या होता है, संबोधि क्या होता है, बोधिसत्व किसे कहते हैं, अरहत किसे कहते हैं। अगर ओशो नहीं आते तो इन शब्दों को कौन समझाता। अवतार शब्द हमें समझ में आता है, हम भगवान राम को अवतार मानते हैं, भगवान कृष्ण को अवतार मानते हैं, लेकिन संबुद्ध व्यक्ति क्या होता है, बुद्धत्व क्या होता है, वो हमें कोई समझाने वाला नहीं था। जब ओशो आए तब उन्होंने बताया कि जो मन के पार चला गया है उसे बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध के भी दो कोटि होते हैं, अरहत और बोधिसत्व। अरहत वो बुद्ध होते हैं जिन्होंने अपने आप को जान लिया और मौन हो गए। और ऐसे बहुत सारे बुद्ध धरती पर हुए हैं जिन्होंने अपने सत्य को जाना और मौन हो गए। समय आने पर उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया, किसी एकांत गुफा में चले गए। लेकिन बुद्धत्व के दूसरा कोटि होता है, उसको बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व उस बुद्ध को, उन बुद्ध को कहते हैं जो स्वयं तो बुद्ध होते ही हैं, अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटते भी हैं। वैसे लोगों को सद्गुरु कहा गया है। इस तरह से देखा जाए तो ओशो अरहत तो है ही, वो बोधिसत्व भी है। ओशो ने जाना भी और हम सबको बताया भी। और जितने भी बुद्ध होते हैं उनमें से अधिकांश तो अरहत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मुखर होते हैं, जो अपनी बात से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक हैं स्वामी आनंद अरुण। स्वामी आनंद अरुण जिनके पास आज बागेश्वरधाम सरकार नेपाल गए हुए हैं, उनके विषय में ओशो ने अपने पुराने प्रवचनों में हमेशा कहा है कि मेरे नेपाल में एक सन्यासी रहते हैं स्वामी आनंद अरुण। मुझे याद है ओशो ने अपने प्रवचन में स्वामी आनंद अरुण को कई बार याद किया है। इस बात को जोड़ते हुए ओशो कहते हैं कि नेपाल में मेरे एक शिष्य हैं स्वामी, मेरे एक सन्यासी हैं स्वामी आनंद अरुण। स्वामी आनंद अरुण ने कुछ ऐसे ऐसे काम भी किए जो ओशो के शिष्यों को अच्छा नहीं लगता है। ओशो के अधिकांश शिष्य अगरबत्ती भी दिखाना पसंद नहीं करते हैं। ओशो के अधिकांश शिष्य दिया जलाना पसंद नहीं करते हैं। ओशो के अधिकांश शिष्य पूजा पाठ फूल माला में विश्वास नहीं करते हैं, वो सीधे ही ध्यान करने बैठ जाते हैं। चलिए ये उनकी च्वाइस है, उनकी पसंद है या ओशो की देशना है, जैसे भी कहा जाए। लेकिन स्वामी आनंद अरुण वो मैंने देखा है, उनका पूजा पाठ करने का तरीका जो हमारा पारंपरिक तरीका है वैसा है। जब स्वामी आनंद अरुण ने ओशो के फोटो पर माला चढ़ाए, पूरे भारत में बहुत सारे ओशो सन्यासियों ने बहुत कुछ कहा कि स्वामी आनंद अरुण तो फिर पुराना परंपरा चला रहे हैं। उन्होंने ओशो को फोटो पर फूल माला तो चढ़ाई ही, बाद में स्वामी आनंद अरुण ने ओशो के फोटो के सामने दिया भी दिखाया, जिसको लेकर ओशो के सन्यासियों ने बहुत विरोध किया। अब ये कौन सा पूजा पाठ चल रहा है कि ओशो के फोटो को पूजा किया जा रहा है। लोगों को आपत्ति हुई, मुझे आपत्ति नहीं हुई है। मैं अपने गुरु के प्रति प्रेम कैसे ही प्रकट करते हैं, हु द हेल आर यू टू इंटरप्ट। मैं अपने गुरु को कैसे प्रेम करता हूँ, आप कौन होते हैं बीच में दखल देने वाले। ये मेरे गुरु और शिष्य के बीच की बात है। मैं अपने गुरु के प्रति कैसे प्रेम करता हूँ, ये बीच में बोलने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कोई अभद्र ढंग से पूजा नहीं कर रहा हूँ तो गलत क्या है। अगर स्वामी आनंद अरुण ओशो के फोटो के सामने दिया दिखाते हैं, इसमें अभद्रता कहाँ थी कि सभी ओशो सन्यासियों ने विरोध किया। मैंने विरोध नहीं किया। स्वामी आनंद अरुण अगर धूप दिया दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
हिंदू सनातनी धर्म ढंग से करते हैं, प्रॉब्लम क्या है इसमें? मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं स्वामी आनंद अरुण को पसंद करता रहा हूँ। अपने एक वीडियो में स्वामी आनंद अरुण ने बताया भी है कि पिछले जन्म में वो ओशो के मित्र रह चुके हैं। चलिए, ये तो स्वामी आनंद अरुण के अपने अंदर की बात है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओशो को लेकर के मैं हमेशा सोचता था कि बागेश्वर धाम सरकार और इनका कोई एक अटैचमेंट हो जाता तो अच्छा था। इससे पहले मेरी इच्छा थी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का अटैचमेंट ओशो से कहीं हो जाता तो अच्छा था। वो मेरे अलग ढंग से पूरा हुआ है, वो मुझे पता है। और ये मेरी बहुत पुरानी इच्छा हो गई थी कि जब से मैं बागेश्वर धाम सरकार को प्रेम करता था, मुझे भी लगता था कि मैं ओशो के का शिष्य हूँ, ओशो का सन्यासी हूँ, ओशो की माला पहनता हूँ और पसंद करता हूँ बागेश्वर धाम सरकार को। लेकिन आज शाम मेरी यही इच्छा पूरी हो गई जब मैंने बागेश्वर धाम सरकार के गले में वो दुपट्टा देखा, ओशो की तस्वीर देखी, उन बागेश्वर धाम सरकार के हाथ में ओशो की किताब देखे। मुझे भी अच्छा लगा कि दो महाशक्ति अब एक हो रही है। एक तो हमेशा रहा होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ओशो की ऊर्जा और इनके सन्यासी बाबा की ऊर्जा अलग अलग रहती हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा। सिद्ध हमेशा से एक है, यहाँ तक कि एक भी नहीं है, शून्य में समा गए हैं, जिसे ब्रह्मलीन अवस्था कहा गया। ओशो के काम से पूरी दुनिया में बहुत सारा बदलाव आया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के काम से पूरी दुनिया में बदलाव आ रहा है। बागेश्वर धाम सरकार ने फिर से स्थापित किया लोगों के मन में भगवान श्री राम को, हनुमान जी को, माता सीता को। आज के समय में हनुमान जी को पुनर्स्थापित किसी ने किया है तो मेरे हिसाब से बागेश्वर धाम सरकार ने किया है। जन जन में, लड़कों में, लड़कियों में, सभी में उन्होंने ये बात तो कही कि हनुमान जी के प्रति अपना प्रेम श्रद्धा को बढ़ाओ। और जो व्यक्ति हनुमान जी या उनके प्रति प्रेम श्रद्धा बढ़ाता है, धर्म और भक्ति में आगे बढ़ा हुआ आदमी, उसके ऊपर कोई संकट नहीं आता है। उसके विचार शुद्ध होते हैं, उसके कर्म शुद्ध होते हैं, और यहाँ तक कि ओशो ने कहा है कि हमारे ब्लड में WBC की संख्या बढ़ जाती है। जब हम कोई भक्ति का काम करते हैं, कीर्तन गाते हैं या ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाती है, जिससे हमें निरोग रहने की क्षमता बढ़ जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग भी ध्यान योग किया करते हैं उनका स्वास्थ्य अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा नियमित और बेहतर होता है। बागेश्वर धाम सरकार ने पूरी दुनिया को जो हनुमान जी की शिक्षा दी, हनुमान जी से प्रेम सिखाया, भगवान राम को पुनर्स्थापित किया, वो जहाँ जहाँ कहते हैं वो हनुमंत कथा कहते हैं, श्री राम कथा कहते हैं, इस तरह से फिर से भगवान राम कथा का प्रचार इस देश में हो रहा है। और एक एक बार में इनके एक एक कार्यक्रम में 10 लाख लोग पहुँच रहे हैं, 50 लाख या करोड़ लोग मोबाइल पर लाइव देख रहे हैं और करोड़ों आदमी उनके पुराने वीडियोस को देख रहे हैं। भारत में धर्म की लहर आ गई है, भारत में सनातन धर्म की लहर लाने वाले बागेश्वर धाम सरकार। प्रतिदिन करोड़ आदमी, करोड़ों कहना भी शायद उचित रहेगा, 1 करोड़ से अधिक तो इनके अपने सब्सक्राइबर्स हैं, 50 लाख 50 लाख कैसे कैसे करके हैं इनके, 1 करोड़ के आसपास तो इनके अपने सब्सक्राइबर्स हैं। और जाने अनजाने करोड़ लोग प्रतिदिन बागेश्वर धाम सरकार का वीडियो देखते हैं और अपने जीवन में भगवान राम जी को, हनुमान जी को, माता सीता के प्रति अपने प्रेम को उतार रहे हैं। हमारे भारत में सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना फिर से हो रही है। और दूसरी तरफ जो ओशो हैं और ओशो के सन्यासी हैं, पूरे संसार को ध्यान की शिक्षा दे रहे हैं, ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। ये ओशो की स्वयं की इच्छा थी कि ओशो के शिष्य उनके माला को बाहर पहने। सभी धर्मगुरु कहते हैं माला को भीतर पहनना चाहिए, छिपाना चाहिए, लेकिन एक ओशो है जो कहते हैं कि अब मेरे माला को ऊपर पहनो, ताकि सभी लोग की नज़र पड़े ओशो के माला पर, लोग ओशो में उत्सुक हों और ध्यान में उत्सुक हों, लोग ध्यान सीखें। ओशो की इच्छा थी कि हम सब ध्यान का प्रचार करें और वही आज हो रहा है। पूरे धरती पर आज करोड़ लोग ध्यान करते हैं ओशो के कारण, और करोड़ लोग राम भगवान की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं बागेश्वर धाम सरकार के कारण। और आज वो शुभ दिन आया जब बागेश्वर धाम सरकार ओशो के आश्रम में गए हैं, और जब दो महाशक्ति मिलकर काम करेगी तो दुनिया में धर्म का प्रचार होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया में लाखों करोड़ों क्रिमिनल्स हैं जो चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। इसकी पत्नी वहाँ भाग गई, उस पति ने पत्नी का गला देता, इसकी प्रेमिका उसके साथ भाग गई, कहीं चोरी हो गया, कहीं डकैती हो गया, कहीं घुसखोरी चल रहा है। दुनिया में आधे लोग अपराध में ऐसे संलिप्त हो गए हैं कि इन्हें दुनिया के संतुलन के लिए आधे लोगों को धर्म
का अभ्यास करना ही चाहिए था। दुनिया में आधी दुनिया के लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, फ्रॉड वाला काम करते हैं, किसी के बैंक से अकाउंट साफ कर देते हैं। जितने तरह का क्राइम पॉसिबल है, व्यभिचार पॉसिबल है, चरित्रहीनता करना है, वो दुनिया में आधे लोग तो कर ही रहे। इसके संतुलन के लिए आधे लोगों में आज सनातन धर्म और हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है, ओशो के माध्यम से ध्यान का प्रचार हो रहा है। इस दुनिया में जो सुंदरता है वो ध्यानी और भक्तों के कारण है, और जो कुरूपता है वो इन क्रिमिनल से कारण है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बहुत समय दिया, आज मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ, और मेरी खुशी का कारण है बागेश्वर धाम सरकार पहुँचे ओशो के आश्रम में। मुझे इन दोनों के संगम पर बहुत प्रसन्नता है। आशा करता हूँ आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ओशो बागेश्वर धाम सरकार दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ।